हेलो फ्रेंड्स आई एम अनविता द्विवेदी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक और मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि वीडियो रिलीज़ करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो रिलीज़ कर रही हूँ एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ आई पी सी अबाउट जनरल एक्सेप्शन यानी कि साधारण अपवाद के कुछ सेक्शंस के बारे में मैंने आपसे पिछ, पिछले वीडियोज़ में आई पी सी के डिस्कस किया है उन वीडियोज़ में मैंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट और जुडिशियल एक्ट से रिलेटेड सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के सेक्शन सेक्शन 76 सिक्स सेवेंटी और जुडिशियल एक्ट्स के सेक्शन सेवेंटी सेवन और 78 हैं आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियोस अवेलेबल हैं एंड इन दिस रिगार्ड टूडे आई एम गोना डिस्कस विद यू जनरल एक्सेप्शन एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून सेक्शन एटीन साधारण अपवाद दुर्घटना या दुर्भाग्य अच्छा आ, मैं आपको बता दूं इस सेक्शन uh, को स्टार्ट करने से पहले कि जनरल एक्सेप्शन का ये जो पार्ट uh, है एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून दिस डील्स विद द टू सेक्शन सेक्शन 80 एंड सेक्शन 81 बट आज मैं आपको सिर्फ सेक्शन 80 एक्सप्लेन करूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 81 एक्सप्लेन करूंगी सेक्शन 81 में डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी वगैरह हैं दैट आई डिस्कस इन डिटेल अभी के लिए हम पहले सेक्शन एट्टी पढ़ लेते हैं तो सेक्शन एट्टी क्या कहता है कि ये उन एक्सीडेंट्स की बात करता है या उन एक्ट्स की बात करता है जो कि लॉफुल एक्ट होते हैं पर उनको करते टाइम कोई एक्सीडेंट हो जाता है यानी कि कोई दुर्घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो अनलॉफुल हो जाते हैं तो ये जो सेक्शन है ये इस तरीके के एक्ट्स में एक्सेप्शन देता है इस तरीके के एक्ट्स को अपवाद के अंतर्गत लाता है तो ये सेक्शन क्या कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाई लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ हम कर रहे हैं कोई भी एक्ट जो कि लॉफुल एक्ट है और लॉफुल मैनर में किया जा रहा है और इसके अलावा उसको करने का जो तरीका है वो लॉफुल है और वो एक्ट हम सारी जितनी भी ड्यू डेलीजेंस और केयर होती है जितनी भी एक साधारण व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए उस कार्य को करते टाइम वो सारी सावधानियाँ बरती जा रही हैं और ऐसा करते टाइम कोई एक्सीडेंट हो जाता है यानी कि कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो एक्ट और जिसकी वजह से उस दुर्घटना की वजह से वो एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन एक्ट्स को ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा यानी कि अगर किसी भी लॉफुल एक्ट को लॉफुल मैनर में करते हुए बाई लॉफुल मीन्स यानी लॉफुल तरीके द्वारा करते हुए कोई दुर्घटना घट जाती है और वो दुर्घटना इस तरीके की होती है कि उसके पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती है ना ही इस बात की नॉलेज होती है कि ये कार्य करते समय ऐसी दुर्घटना घट जाएगी तो उन कार्यों को हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं क्लियर हो गया होगा आपको ये सेक्शन तो इसको और फर्दर क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति है ए वो अपने काम पे जाता है और वहाँ पे उसका काम कुल्हाड़ी से संबंधित है वो कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ी काट रहा है और कुल्हाड़ी का जो हेड होता है यानी कुल्हाड़ी का जो सिरा होता है वो अचानक से उड़ के लाइक उस कुल्हाड़ी से अलग होकर और उड़ के किसी एक व्यक्ति के सर पे लग जाता है जो पास में ही काम कर रहा है तो इस स्थिति में और वो फिर उसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है वो सिरा लगने से तो इस स्थिति में ये माना जाएगा कि ए ने यहाँ पर Uh, पूरी तरीके से प्रॉपर कॉशन और केयर बरती थी क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये देखेंगे कि, कि किसी को भी uh, कुल्हाड़ी इसका यूज़ करते टाइम ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि उसका सिरा अचानक से अलग हो जाएगा तो इट वाज एन एक्सीडेंट वो गलती से हो गया एक दुर्घटना थी तो जिसकी वजह से यहाँ पर उसके कार्य को एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा अब हम इस सेक्शन के जो एसेंशियल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं यानी कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सेक्शन किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि किसी एक्ट को इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस की कैटेगरी से मुक्त करती हैं तो जिसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो भी एक्ट हम कमिट कर रहे हैं वो एक्ट एक्सीडेंट होना चाहिए या मिस फॉर्च्यून होना चाहिए यहाँ पे एक्सीडेंट और मिस फॉर्च्यून का मतलब है कि ना तो वो एक्ट विलफुल किया गया हो और ना ही उस एक्ट को कर द टाइम नेग्लिजेंस ली गई हो यानी कि एनी थिंग विच यू डू बट यू के नॉट एंटिसिपेट दैट द रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट माइट कॉज हार्म टू एनी वन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जैसे आप रात के समय में किसी जानवर को समझ के गोली चला देते हैं और जानवर की बजाय कोई व्यक्ति निकलता है और उसके पहले आपने पूरी जांच पड़ताल की होती है इस बात का पूरा ध्यान दिया होता है कि मोस्ट प्रोबेबली जिस पर आप गोली चला रहे हैं वो जानवर ही है वहाँ पे कोई व्यक्ति के होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है तो यानी कि यहाँ पर आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी ली है आपने कोई भी जानबूझ के गोली नहीं चलाई है और ना ही आपने किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट का को इग्नोर किया है नेग्लिजेंस कमिट किया है तो बट अब वो गोली जानवर की बजाय किसी व्यक्ति को लग गई तो दैट टर्न आउट टू बी एन एक्सीडेंट तो यहाँ पर ये एक्सीडेंट माना जाएगा तो कोई भी ऐसा कार्य जो कि दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट में टर्न आउट हो जाता है और कोई भी एक्सीडेंट uh, किसे कहते हैं एक्सीडेंट देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि एक्सीडेंट डजेंट हैपन बाई चांस लाइक चांस की वजह से ऐसा नहीं होता कि बाई चांस ऐसा हो गया एक्सीडेंट का मतलब होता है कि कोई भी प्रूडेंट इंसान कोई भी एक समझदार व्यक्ति इस बात को एंटिसिपेट ही ना कर सके या ये चीज़ देख ही ना सके कि उसके इस कार्य की वजह से ये एक्ट एक्सीडेंट में टर्न आउट हो जाएगा ठीक है तो ये पहला एलिमेंट हो गया उसके बाद दूसरा एलिमेंट है कि वो उस जो भी एक्ट कमिट हो रहा है वो विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के कमिट हो यानी कि जो भी आ, आप एक्ट कमिट कर रहे हैं उसमें आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए यानी रिया नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको इस बात की नॉलेज हो कि आपका ये जो एक्ट है दिस इज़ डेंजरस एंड दिस कैन कॉज एनी हार्म टू एनी ओके नाउ दिस एक्ट मस्ट बी लॉफुल एक्ट एंड इट is डन इन लॉफुल मैनर by लॉफुल means यानी कि एक्ट हमेशा लॉफुल होना चाहिए न्याय संगत होना चाहिए न्याय के अनुरूप होना चाहिए यानी कि किसी भी uh, कोई लीगल एक्ट है बट आप उसको इलीगल तरीके से करते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं मानी जाएगी एक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और उसको करने का तरीका भी लीगल होना चाहिए उसके अलावा आपने लॉफुल मीन्स यूज़ किए यानी कि उस एक्ट को कमिट करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप Uh, किसी uh, जानवर पे गोली चला रहे हैं पर उस वो गोली किसी व्यक्ति को लग जाती है पर आप वो गोली लाइसेंस्ड गन से नहीं चला रहे हैं, तो यानी कि आपने यहाँ पे लॉफुल मींस इग्नोर किया है लॉफुल मींस नहीं यूज़ किया है ठीक है तो ये हो गया और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल इन्ग्रीडियंट है इस एक्ट इस सेक्शन का वो ये है कि जो भी एक्ट आप कमिट कर रहे हैं वो हमेशा प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ कमिट किया हो यानी कि आपने हर पॉसिबिलिटी चेक कर ली हो कि इस एक्ट के थ्रू जो कि आप कमिट कर रहे हैं वो एक्सीडेंट में आउट नहीं हो सकता है या आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ या सारी चीज़ें प्रॉपरली चेक की हो कि हाँ इस फॉर एग्जांपल अगर आप कोई यंत्र यूज़ कर रहे हैं जो कि खतरनाक है तो आपने uh, या फिर कोई वेपन यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये चीज़ इंश्योर की हो कि वो वेपन सही से चलता है वो uh, वेपन एक्सपायर्ड नहीं है ये सारी चीज़ें तो दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर केयर एंड कॉशन नाउ लेट्स डिस्कस द केस सो फर्स्ट केस है इसमें जगेश्वर वर्सेस एम्परर का केस ये केस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कई बार एग्जाम में प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है तो इस केस को आप ध्यान से सुनेगा मैं फैक्ट्स आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं हेल्प बताऊँगी तो इस केस में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति होता है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को के साथ हाथापाई कर रहा होता है और उसे मार रहा होता है अपने हाथ से फिस्ट का या कलाई का प्रयोग करके उसे मार रहा होता है उस व्यक्ति को तो उस व्यक्ति के बचाव में जो कि मार खा रहा होता है उसकी वाइफ अपने दो महीने के बच्चे को साथ में लिए होती है और उसकी वाइफ बीच में इंटरवीन करती है उस फाइट को रोकने की कोशिश करती है तो जब उसकी वाइफ उस फाइट को रोकने की कोशिश करती है तो जो व्यक्ति मार रहा होता है गलती से उसका हाथ उसके वो वाइफ को हटाने की कोशिश करता है और उसका हाथ बच्चे पर पड़ जाता है और बच्चे के सर पर पड़ जाता है और वो इतनी तेज से पड़ता है कि वो बच्चा मर जाता है ठीक है तो यहाँ पर ये जब ये केस कोर्ट में गया तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो एक्ूज है उसको सेक्शन 80 के तहत या 80 सेक्शन 80 के अंडर में आप वो डिफेंस नहीं ले सकता है या उसे ऑफेंस uh, से रिलीव नहीं किया जा सकता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति ने एक्ट कमिट किया था अब आप यहाँ पे देखिए जो एक्ट वो कमिट कर रहा था यानी कि मारपीट कर रहा था दैट इज़ नॉट एन लॉफुल एक्ट ठीक है तो जब कोई एक्ट लॉफुल नहीं है तो अगर उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया है तब आप सेक्शन एटी का डिफेंस नहीं ले सकते हैं तो यानी कि वो एक्ट ही लॉफुल नहीं था इस वजह से यहाँ पे सेक्शन एटी का डिफेंस नहीं मिलेगा अब इसके अलावा एक और केस है सुखदेव सिंह वर्सेस डेली स्टेट आ, इस केस में क्या हुआ था कि एक सिक्योरिटी uh, ऑफिसर था uh, किसी म्युनसिपैलिटी के चेयरमैन का तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर uh, किसी व्यक्ति को म्यूनसिपैलिटी uh, की बिल्डिंग के ऑपोजिट में गाड़ी पार्क करने से मना कर रहा था और उसका थ्री थ्री व्हीलर था उस व्यक्ति का उसको वहाँ से पार्क करने से मना कर रहा था तो उसके दौरान उन दोनों में कुछ झड़प हो जाती है और दे फॉट तो वो जो थ्री व्हीलर का ओनर था थ्री व्हीलर के ओनर से वो व्यक्ति ये कहता है कि इसको थ्री व्हीलर को पुलिस स्टेशन ले चलो तो जब वो पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए उस गाड़ी में बैठता है थ्री व्हीलर में बैठता है वो व्यक्ति और उस थ्री व्हीलर का ओनर तो वो रास्ते में पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय गाड़ी कहीं और मोड़ देता है तब जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो अपनी गन निकाल लेता है और गन फायर करता है वो फायर किसी और को लग जाता है देन वो डिलीबरेटली सेकेंड दूसरा फायर करता है तब वो उस व्यक्ति को लग जाता है जो थ्री व्हीलर का ओनर होता है और वो उसकी मौत हो जाती है तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो लॉफुल एक्ट उसने नहीं किया और यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी यानी कि क्रिमिनल इंटेंशन थी बिकॉज जब आपने एक बार फायर किया और वो कहीं किसी और व्यक्ति को लग गया तो मान लीजिए उस व्यक्ति को मारने की आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं हो सकती है बट आपने जानबूझ के दोबारा फायर किया है और आपने इसीलिए फायर किया ताकि वो गोली सामने वाले व्यक्ति को लग जाए यानी कि यू वर वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट फायर सो दैट्स वाई यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन भी मौजूद थी एक्ट लॉफुल नहीं था तो इस वजह से सेक्शन एट्टी का डिफेंस नहीं मिलेगा अब नाउ नेक्स्ट केस मूविंग ऑन टू दैक्स्ट केस ये जो नेक्स्ट केस है ये आपके जो सेकेंड uh, एसेंशियल uh, है लैक ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन उसकी पे बात करता है सॉरी थर्ड एसेंशियल तो टंडा वर्सेज रेक्स इसमें क्या हुआ था कि दो फ्रेंड्स uh, थे वो आपस में फ़ाइट के लिए जाते हैं मतलब देवर रेसलर्स तो वो जनरली फ्रेंडली मैनर में रेसलिंग हमेशा करते थे तो उसमें से एक फ्रेंड जो था वो दूसरे को इनवाइट करता है रेसलिंग के लिए रेसलिंग कंपटीशन के लिए इन अ फ्रेंडली मैनर तो दोनों लोग रेसल जब कर रहे होते हैं तो जब जो यहाँ पे एक्यूज है वो गलती से दूसरे जो जो उसका फ्रेंड होता है उसको आ, फाइट के दौरान उठा के दूसरी तरफ फेंकता है पर uh, क्या होता है कि गलती से वो एक चबूतरे के पास गिरता है और उसका जो चबूतरे का एज होता है वो उसके सर में लग जाता है जिसकी वजह से स्कल इंजरी हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर ये हेल्ड हुआ था कोर्ट ने ये बोला था कि यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी क्योंकि दैट वॉज़ अ फ्रेंडली फ़ाइट ठीक है तो फ्रेंडली फ़ाइट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि देर वॉज एनी साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज कि दैट माइट कॉज इंटू बिकॉज रेस्लिंग क्या होता है कि रेस्लिंग में आपको ये पता होता है नॉलेज होती है इस बात की कि थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है इंजरी हो सकती है बट उस हार्म के लिए आप तैयार होते हैं और वो हार्म हमेशा प्रडिक्टेबल होता है यहाँ पर क्या एक्सीडेंट मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि ऐसा हार्म जो प्रडिक्टेबल ना हो तो यहाँ पर उसको नहीं पता था कि वो चबूतरे से जाके लड़ जाएगा और उसकी एज लग जाएगी ठीक है ऑब्वियसली दैट वन प्रूडेंट पर्सन के नॉट एंटिसिपेट बिफोर हैंड सो दैट्स ना यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज की कमी थी तो इस वजह से सेक्शन एटी का डिफेंस एप्लीकेबल है उस व्यक्ति को कोई सज़ा नहीं हुई तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट केस है दिस केस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टॉक्स अबाउट दी फोर्थ एसेंशियल प्रॉपर केयर एंड कॉशन सीताराम वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है ये इस केस में जो एक्ूज uh, होता है वो ज़मीन में खुदाई कर रहा होता है फावड़े से वो एक मज़दूर होता है और वो ज़मीन में खुदाई कर रहा होता है फावड़े से और उससे पता होता है वहाँ से वो मड कलेक्ट कर रहा होता है और उससे पता होता है कि uh, यहाँ पर एक और मज़दूर है जो कि साथ में काम कर रहा है एंड ही इज़ बनीथ दी ग्राउंड तो उसके फावड़े से उस जो दूसरा जो मज़दूर होता है उसको चोट लग जाती है उसके सर पर इंजरी हो जाती है और uh, उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे एक्यूज़ ने एक्सीडेंट प्ली किया था यानी सेक्शन एटी के अंडर में डिफेंस प्ली किया था कि दैट हैपन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट बट यहाँ पे कोर्ट ने उसे आ, गिल्टी हेल्ड किया बिकॉज ही डिड नॉट टेक प्रॉपर केयर एंड कॉशन वाई यहाँ पे क्योंकि उसे पता था कि साथ में एक मजदूर काम कर रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि वो जिस तरीके से आपने इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहा है जो जिस फावड़े से जिस स्पेड से वो खुदाई कर रहा है वो किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है और इसके अलावा उसे सावधानी से और बहुत ही ध्यान से जो भी मड वो कलेक्ट कर रहा था उठानी चाहिए थी तो दैट्स राय ही अवॉइडेड टू टेक प्रॉपर केयर एंड कॉशन

आपको क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल इंटेंशन तो नहीं कहेंगे बट हाँ आपको नॉलेज होती है कि दिस माइट कॉज हार्म बट आउट ऑफ नेसेसिटी आप वो एक्ट कमिट करते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको अभी ब्रीफिंग दे दी है और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूँगी उसमें हम डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी भी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड और पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोज़ भी देख लीजिए आई होप दैट विल हेल्प यू So thank you. Bye-bye.